देखिए कार्यक्रम धन्ना प्रसन्न का आपका चौथा दिन है और ये कार्यक्रम आह्वान किया गया हवन के माध्यम से शुभ बुद्धि दी है। भगवान ईश्वर कृपा करें कि उन पर जो भी हमारे मांग पत्र उस पर विचार करें, क्योंकि हम लोगों का जो भी हड़ताल धरना चल रहा है, अगर हड़ताल के रूप में परिवर्तन हो गया तो हम जनता को प्रभाव प्रभावित होगा। इस नाते हम लोग चाह रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से जो प्रबंधन हमारा है उसको संज्ञान में ले और हमारी जो मांग पत्र उस पर ध्यान दें कि एक समझौता के तहत पर विचार करें संघर्ष समिति के माध्यम से। कब तक चलेगा? जब तक हमारी 15 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा और मांगों पर ध्यान नहीं दिया तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। जीएस कुमार त्रिपाठी, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष राजीव विद्युत। नमस्कार सर, विद्युत कर्मचारी संयोग संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे इस आंदोलन में हमारी जो हमारा प्रबंधन है उससे हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो हमारे निदेशक के और डायरेक्टर एमडी के पद हैं उस पर नियमानुसार भर्ती की जाए। हमारी जो वेतन विसंगतियाँ हैं जितने भी कैडर में 5 वर्ष 9 वर्ष और 14 वर्ष का, उनको दूर किया जाए। इंजीनियर्स के प्रोटेक्शन के लिए इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए। हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। उसके बाद जो सर हमारा ये है कि जो हमें 2000 तक जो सुविधाएं मिल रही थी, 2000 के बाद जब इसका विघटन हुआ था UPSEB का और ये डिस्कॉम्स बने थे, तब जो हमको जिन शर्तों पर ये विघटन हुआ था उन शर्तों के अनुरूप जो कर्मचारियों को सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं मुझे वापस की जाए, जो अभी LMTN वगैरह का बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है वो यह है कि जो प्रबंधन का मनमानी रवैया है और फिजूल खर्ची है उसकी जांच की जाए। अभी 2500 करोड़ रुपए का जो मीटर का परचेज हो रहा है, इसके पहले ERP का जो परचेज हुआ है और भी तमाम तरीके के फिजूल खर्ची हो रहे उस पर रोक लगाया जाए और उपभोक्ता को बेहतर सुविधा देने के लिए आप साधन उपलब्ध कराएं और कार्य करने का एक सही माहौल तैयार करें। अभी जो ये 24 घंटा काम है, संडे के दिन छुट्टी के दिन काम है और टाइम बाई टाइम VC है, एक तरह से अभियंताओं का उत्पीड़न है, अनावश्यक कार्रवाई हो रही है, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है, जिससे पूरे बिजली विभाग का माहौल खराब हो रहा है और पूरे